एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो फिलहाल इस फिल्म की प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर का रोल कर रही हैं और साथ में ये हीरोइन का रोल भी कर रही हैं, और मैंने इनके साथ कुछ और फिल्में भी की हैं जिसमें भी फिर से ये हीरोइन नहीं है। इस फिल्म में मैं इनका फादर का रोल कर रहा हूँ। रशोदेव के मूवी में मेरे को अच्छा कैरेक्टर आया फर्स्ट टाइम आई केम हियर। हम सभी सुन रहे हैं कि ये सैकड़ों सालों से बाल कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, कमाल की बाल कलाकार हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं भी जब बाल कलाकार था छोटा तब इनकी फिल्में देखता था। एक्चुअली हरि एंड नीता जी दे आर आई नेवर बिलीव आई केम हियर सो मच हॉस्पिटैलिटी आई गॉट फ्रॉम देम एंड दे आर लाइक फ्रेंड्स दे आर ट्रीटिंग अस लाइक इन देयर फैमिली मेंबर लाइक दैट दे आर ट्रीटिंग अस। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विजयदशमी पे हम सब इस फिल्म का विजय उत्सव मनाएंगे। ये मेरी प्रभु से कामना है। Thank you, sir. Thank you. So, your experience, sir? ये माइक के नजीक में बड़ा माइक टेस्ट नहीं है। सिंपल मैन, सिंपल वर्ड सर। आई एम ट्राइंग टू कन्वे रशोदेव के मूवी में मेरे को अच्छा कैरेक्टर आया फर्स्ट टाइम आई केम हियर। फर्स्ट आई एम टेलिंग यू ऑल थैंक्स वही बिकॉज all Tamil movies, Telugu movies, Hindi movies, you encouraged a lot and you made all regional films, now Indian movies, pan-Indian movies, you made that. So, thanks to your big heart, first of all. And actually, Hari and Neeta ji, they are, I never believe I came here. So much hospitality I got from them and they are like friends, they are treating us like in their family member like that they are treating us. So and Pradeep Rao sir and Brahmanandam sir, Ali sir, all are doing in this movie, and Kabir Singh also is my friend also. So all from every corner of India came here to do this movie actually. Because of your big heart only, it became possible. So, and Darshan, all come to theaters. Why? Because we are coming to near you to celebrate Darshan. So, please, we are all your family like that. Come to the theaters. We'll celebrate Darshan in our theaters. Okay, all the best, wishing you all success for all of us. Thank you so much, sir. Thank you so much. And in this situation, I supposed to tell Kabir ji, a DOP, he is my good friend actually. Thanks to him also. He's our friend and I'm one of the member in this. Thank you, ji. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. All the best forever. उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा मौका भाई साहब ने दिया है और इसके लिए हम सब आभारी हैं। हमारी फिल्म भी इसके लिए इनकी आभारी है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा मैं सुन रहा हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो फिलहाल इस फिल्म की प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर का रोल कर रही हैं और साथ में ये हीरोइन का रोल भी कर रही हैं, और मैंने इनके साथ कुछ और फिल्में भी की हैं जिसमें भी फिर से ये हीरोइन नहीं है। इस फिल्म में मैं इनका फादर का रोल कर रहा हूँ। पर यहीं पे क्या हुआ है कि हमारे डायरेक्टर साहब का पेट गजनी के विलन से भरा नहीं, तो वो ढूंढ के पुष्पा के विलन को भी लेके आ गए हैं। तो सुनील भाई के साथ काम करके फिर से बहुत ही अच्छा लगा है। सुनील भाई इज ए एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर।
ही वॉज फॉर तेलुगु फिल्म्स. ये एक अभी तक आपने सिर्फ एक बाल कलाकार का नाम ही सुना है नीता जी का, पर सुनील भाई ने भी बहुत यंग टाइम से सिनेमा में अपना योगदान दिया रहा है. और ये इतने अच्छे टैलेंटेड एक्टर हो गए थे, मुझे याद आ रहा है इनके साथ मैं इनकी दूसरी या तीसरी फिल्म जब ये हीरो रहे, ये कॉमेडियन थे, कॉमेडियन से विलन बने, विलन से हीरो बने, तो वो जब हीरो इनकी जिंदगी की शुरुआत थी उसमें मैं इनके साथ, ये हीरो थे मैं विलन था उस फिल्म में. और नीता जी के बारे में क्या कहूँ, हम सभी सुन रहे हैं कि ये सैकड़ों सालों से बाल कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, कमाल की बाल कलाकार हैं. तो मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं भी जब बाल कलाकार था छोटा तब इनकी फिल्में देखता था. जी आपका तो कमाल है, आपके बाल भी बड़े खूबसूरत हैं. मेरे तो गाँच आ चुके हैं यार. मैं इस टीम के साथ पिछले करीब कोविड के बाद से जुड़े हुए हैं और ये मेरी डायरेक्टर सर के साथ तीसरी करीब फिल्म है और नीता जी के साथ दूसरी फिल्म है. मैं अब डायरेक्टर साहब के बारे में बोलना चाहूँगा कि नेपाल का ये कोहिनूर है, नेपाल का, इनकी बारे में मुझे पता नहीं है कि मीडिया को या आप सब लोगों को कितना पता है, पर जो मुझे पता है इनके बारे में वो आंखों को चकाचौंध करने वाला है. ये शायद नेपाली फिल्मों में एक स्टंट मैन से स्टंट मास्टर बने होंगे. इनका बचपन, इनका बाल समय है आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में बीता है. जब ये बच्चे थे, छोटे थे, तो ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में रहते थे और वहीं से इनको तेलुगु फिल्में देख के फिल्मों का चस्का चढ़ गया. तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना फ्यूचर फिल्मों में ही रखूंगा. और इनका फ्यूचर इतना शानदार रहा है कि एक स्टंट डायरेक्टर से नेपाली फिल्म के ये यूएस में चले गए, अमेरिका में चले गए. वहाँ जाके इन्होंने जो करतब दिखाया, बड़ी बड़ी फिल्मों के जो ये प्ले करते हैं, वहाँ क्या होता है कि बड़ी हॉलीवुड की फिल्मों के लाइव प्ले होते हैं, शो होते हैं, तो उसमें हमारे भाई साहब ने इतना गजब का काम किया, इतना गजब का काम किया कि इन्हें सिर्फ एक साल में ग्रीन कार्ड मिल गया, जो कि मैं समझता नहीं हूँ कि हमें इतनी आसानी से किसी को मिलता होगा. कमाल है इनका टैलेंट का. इनको वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की एजेंसीज ने, सब ने इतना पसंद किया कि इनके लिए स्पेशल स्टेटस बना के इन्हें वो चीज़ दी गई. पर इनका क्या है कि शरीर अमेरिका में है, मन इनका नेपाल और इंडिया में है. शरीर से बेशक वो वहाँ है, जब भी मौका मिलता है हिंदुस्तान की हिंदी फिल्में या अब नेपाली फिल्में करने के लिए ये दौड़ के चले आते हैं. कल रात को मुझे फोन आया कि शूटिंग करनी है, तो मैं तो चलिए बॉम्बे से यहाँ फ्लाइट लेके आ गया. भाई साहब यहाँ शूटिंग शुरू हो गई तब तक फ्लाइट में बैठे हुए थे, वहाँ से कंट्रोल कर रहे थे कि इसको ये करा दो, इससे वो करा दो. हमने कहा कमाल है यार, ये भी सच ए डेडिकेटेड पर्सन, फैंटास्टिक, इट इज़ अमेजिंग कि इतना खूबसूरत दोस्तों के साथ मिला है. और हमारे फिल्म के जो हीरो हैं हरी, वो भी अपने आप में एक नायाब इंसान रहे हैं. इन्हें भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ही वॉज अवॉर्डेड बाय नासा यंगेस्ट साइंटिस्ट फॉर नेपाल. सर कमाल है आपका. सर तो इतना शानदार लोगों का योगदान है. बाकी के एक्टर, बड़े बड़े एक्टरों के नाम तो आपने सुनी लिए हैं, अब ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं. मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विजयदशमी पे हम सब इस फिल्म का विजय उत्सव मनाएंगे. ये मेरी प्रभु से कामना है और आई एम श्योर हमारे महादेव, हर हर महादेव हमारी विनती को जरूर एक्सेप्ट करेंगे. हर हर महादेव, हर हर महादेव. प्रदीप सदा तेरे दर्दन, थैंक यू सो मच सर. लेजेंडरी एक्टर ले यति धेरै इन्फर्मेसन राख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त. मलाई चन्द्र पन्तको बारेमा पनि त्यति नै धेरै थाहा छ, नेताजीको बारेमा पनि थाहा छ, हरिहरजीको बारेमा पनि थाहा छ, सब